हेलो दोस्तों, अगर आप अपना करियर आईटी फील्ड के अंदर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब ओपन कीजिएगा, यहाँ पर सर्च बार में विशेष मलिक टाइप कीजिएगा तो सबसे पहले मेरा चैनल का ही आपको लिंक दिखाई देगा। चैनल पर आने के बाद यहाँ पर सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को चेक मार्क कीजिए सेव, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो जब भी मैं कोई भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ। अब सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर विंडोज सर्वर 2012 की हिंदी में वीडियो देख सकते हैं, जो कि 126 है। सीसीएनए स्विचिंग 41, सीसीएनए राउटिंग 72, ये बहुत सारी वीडियो। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वे वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैनल है विंडोज सर्वर 2012 की वीडियोस का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक कमांड्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो हम लोग कमांड्स डिस्कस करने वाले हैं वो है टच, कैट एंड डब्ल्यू सी। ये तीन कमांड दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली कमांड होती है टच। देखिए दोस्तों, टच कमांड जो है वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज की जाती है ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ पर आपको शो करके दिखाऊं, मैं इस टाइम पर रूट पार्टीशन के अंदर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर कुछ ऑलरेडी डायरेक्टरीज वगैरह आपको शो कर रहे हैं, जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफॉल्ट सिस्टम डायरेक्टरीज होती है। अब अगर आप यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं टच स्पेस फाइल नेम। जैसे कि मैं यहाँ पर एक प्रीत नाम से ब्लैंक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि प्रीत फाइल क्रिएट हुई है या नहीं, इसके लिए आप ls करके एंटर की प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं कि ब्लैक कलर में आपको प्रीत नाम की फाइल दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी कोई भी डेटा रखा नहीं हुआ है। इसके बाद अगर आप मल्टीपल डायरेक्टरी क्रिएट करना सॉरी मल्टीपल ब्लैंक फाइल क्रिएट करना चाहते हैं एक ही टाइम पर, तो उसके लिए आप टच स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम स्पेस फाइल नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। जस्ट ls कीजिएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं मल्टीपल ब्लैंक फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, हम लोग चाहें तो टच कमांड के द्वारा हिडन फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। हिडन फाइल कैसे क्रिएट करते हैं वो देखिएगा जरा। हिडन फाइल क्रिएट करने के लिए आप टच स्पेस और जिस भी नेम से आप हिडन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि आप रजौरी के नाम से हिडन फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो दोस्तों फाइल के नेम से पहले आप डॉट यूज कीजिएगा। जैसे आप टच स्पेस डॉट फाइल नेम टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं और देखने के लिए ls करते हैं, देखो यहां पर कहीं पर भी आपको रजौरी नाम की फाइल दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो हिडन फाइल है। लेकिन ls कमांड के द्वारा जस्ट आप नॉर्मल फाइल और डायरेक्टरी ही देख सकते हैं। अगर आप हिडन फाइल देखना चाहते हैं तो l डॉट कीजिएगा और आप यहां पर देख सकते हैं कि रजौरी नाम की जो हिडन फाइल है वो आपको शो हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कमांड यूज करते हैं कैट। दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोगों ने टच कमांड यूज की ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए, लेकिन अगर आप एक ऐसी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर आप साथ के साथ डेटा भी ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं कैट कैट स्पेस ग्रेटर देन और फाइल नेम। जैसे कि मैं यहाँ पर एक विशेष नाम की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ तो कैट स्पेस ग्रेटर देन फाइल नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए। एंटर की प्रेस करने के बाद विशेष नाम के फाइल के अंदर जो भी आप डेटा रखना चाहते हैं वो आप डेटा यहाँ पर टाइप कीजिए। जैसे कि थैंक यू सो मच टाइप करके एंटर की प्रेस करके
तो आप, मैंने यहाँ पर विशेष नाम की फाइल के अंदर जस्ट एक सेंटेंस ऐड किया और इसको स्टॉप करने के लिए कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस कीजिएगा। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ जेड की प्रेस करते हैं, सेव एंड क्विट कर जाएंगे आप। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अभी विशेष नाम की फाइल क्रिएट कर ली है, देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर कंफर्म करना चाहते हैं कि भाई इस फाइल के अंदर डेटा ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, तो डेटा चेक करने के लिए भी दोस्तों हम लोग कैट कमांड ही यूज करते हैं। कैट स्पेस और फाइल नेम टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो इस फाइल के अंदर जो भी आपने ऐड किया हुआ है वो आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग कैट कमांड को यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर अभी मैंने आपको, आपके सामने टच और कैट कमांड यूज की। टच यूज की जाती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ब्लैंक फाइल क्रिएट करने के लिए, और कैट कमांड जो है वो दो पर्पज के लिए यूज की जाती है, फाइल क्रिएट करने के लिए और उसमें डेटा ऐड करने के लिए, के साथ साथ आप किसी भी फाइल का डेटा चेक भी कर सकते हो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग दोस्तों डिस्कस करते हैं। कैट स्पेस रूट पार्टीशन के अंदर ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर एक पास्ट डब्ल्यू टी नाम की फाइल होती है। अगर आप ईटीसी के अंदर पास्ट डब्ल्यू टी फाइल का डेटा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग कैट कमांड यूज करते हैं। जस्ट आप पाथ टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिएगा, तो इस फाइल के अंदर जो भी डेटा है वो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और कैट कमांड को हम लोग एक अनदर तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैट स्पेस हाइफन एन कमांड यूज कीजिएगा। जैसे ही आप कैट स्पेस हाइफन एन और फाइल का पाथ प्रोवाइड करके एंटर की प्रेस करते हैं, तो हर एक लाइन से पहले लाइन नंबर भी आपको शो हो जाएगा। ये दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो, ये देखिए जरा, सभी फाइल लाइंस से पहले आपको फाइल नंबर शो कर रहा है। इसके बाद अब मान लीजिए ये हमारे पास में एक पास्ट डब्ल्यू डी नाम की फाइल है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको डेटा शो कराया। ये देखिए बहुत सारा डेटा है। अब दोस्तों आती है हमारी थर्ड कमांड डब्ल्यू सी, यानी कि वर्ड काउंट। दोस्तों अगर आपको किसी भी फाइल के अंदर कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर हैं और कितनी लाइंस हैं, ये अगर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, पास्ट डब्ल्यू डी फाइल के अंदर अब मुझे काउंट करके बताइए यहां पर कि इस फाइल के अंदर कितने वर्ड हैं, कितने लाइनें हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। ये दोस्तों इसमें काफी टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू सी स्पेस फाइल नेम प्रोवाइड करो, रूट पार्टीशन के अंदर ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर एक पास्ट डब्ल्यू डी नाम की फाइल है। अब देखिए यहां पर, देखिए दोस्तों इसके अंदर 38 लाइंस हैं, 66 वर्ड हैं और 1911 टोटल हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। तो फर्स्ट में जो होगा वो आपको लाइन नंबर शो करता है, ठीक है। एक सेकेंड, जरा एक सेकेंड वेट कीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहां पर देखिए डब्ल्यू सी, ठीक है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं 38 लाइंस हैं, 66 कैरेक्टर सॉरी वर्ड हैं और 1911 इसके अंदर टोटल कैरेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप केवल लाइनें चेक करना चाहते हैं तो हाइफन एल यूज कीजिएगा, केवल लाइन चेक करने के लिए। आप यहां पर देख सकते हैं 38 लाइंस हैं। अगर आप केवल वर्ड चेक करना चाहते हैं तो हाइफन डब्ल्यू यूज कीजिएगा, तो 66 वर्ड हैं, ये भी आपको शो हो रहा है। अगर आप केवल कैरेक्टर्स चेक करना चाहते हैं तो हाइफन सी यूज कीजिएगा। तो
इस फाइल के अंदर कितने वर्ड हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं और कितनी लाइंस हैं, ये शो करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज करते हैं wc कमांड। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टच, कैट और wc कमांड यूज की।